भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हालात इतने खराब हुए हैं कि नदी नालों से मलबा सड़कों तक आ गया है। चंपावत में पूर्णागिरी रोड पर मलबा जमा होने से पूर्णागिरी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्र में बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनपद के ज्यादातर पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटनगाड़ा नाले से भारी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध होने से पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहन बुरी तरह फंस गए। प्रशासन जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोल रहा है, परंतु लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते यात्रियों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। खतरे को देखते हुए टनकपुर उपजिलाधिकारी के द्वारा काकरहली गेट पूर्णागिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।